लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कस्बे में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। साथियों, महाराष्ट्र आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महायुति की सरकार हर वर्ग के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों के हित को प्राथमिकता दी जा रही है, उन पर रुकावट नहीं आने देनी है, रोक नहीं होने देनी है, गति को धीमे नहीं होने देना है। इसलिए आप सभी को महायुति के पक्ष में मजबूती से खड़े रहना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महायुति आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करती रहेगी। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें अपना आशीर्वाद देने आए, मैं सभी जो उम्मीदवार हैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं, जरा आगे आ जाएं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार है, देवेंद्र जी आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग जरा वहां रुकिए।